नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम 2023 को लेकर, बीएससी नर्सिंग 2023 और 24 के लिए। यहाँ पर सभी लोगों ने, आप सब ने मिल अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा पीडीएफ डाउनलोड कर, उसमें क्या आपकी ओवरऑल रैंक है और क्या आपके मार्क्स आए हुए हैं, इन सभी चीज़ों को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप चीज़ों को विधिवत समझ चुके होंगे। जो कन्फ्यूजन्स हैं उसमें मॉक राउंड वन को लेकर और राउंड वन सीट एलोकेशन को लेकर जो डाउट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड किया कल रात में जब रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा मिला होगा कि जितने लोगों का जो है इस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम है, सर्च करने पर रोल नंबर मिल गया, तो उन सभी को मॉक राउंड वन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यानी वो सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस लिस्ट में नाम होने का मतलब आपको सीट मिलना नहीं है। यानी इस आप जो है इस लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका कट ऑफ ऊपर रहता है। तो ये चीज़ कितनी जाएगा कट ऑफ, ये काउंसलिंग में पता चलेगा। तो मॉक राउंड में आपको पता चल जाएगा। मॉक राउंड एक ऐसी एक तरीके की रिहर्सल होती है, एक जो है प्रैक्टिस टाइप की होती है कि कैसे काउंसलिंग की जाए। तो उस पर एक पहले ऑप्शंस देता है, आप रजिस्ट्रेशन करते हुए उसमें कुछ समय दिया जाता है, 2 से 4-5 दिन का दिया जाता है हर साल। फिर उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए, बाकायदा पूरी काउंसलिंग की तरह पूरी प्रक्रिया से गुजरिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर करते हैं कि कितने लोगों ने पास आउट मतलब काउंसलिंग में मॉक राउंड में पार्टिसिपेट किया। और लगभग जो रिज़ल्ट मॉक राउंड का रहता है काउंसलिंग में, किसे कौन सा कॉलेज मिला, उसी लगभग सेम, लगभग थोड़ा सा हेर फेर होता है उसमें, जो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वही लगभग सीटें उन बंदों को मिल जाती हैं, उन जो है स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। तो ये है, आप देखिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया, कट ऑफ दिया गया कि अनरिजर्व्स अगर आपके 4361 तक है तो ठीक है, और हैंडीकैप्ड्स में जितने दिए गए हैं सभी हैं, यानी और उसके बाद ईडब्ल्यूएस 4359 तक, और आपका जो है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 6139, और ओबी नॉन क्रीमिलियर हैंडीकैप्ड्स 4522, एससी 8425, और एससी हैंडीकैप्ड 6146, एसटी 8221 रैंक तक जो है यहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करेंगे राउंड वन और राउंड बाकी जितने भी। और इसके अलावा कोई लिस्ट इसमें नहीं आती है कि आप वेट करें कि सेकंड राउंड में नई लिस्ट आएगी, तो ऐसा भी नहीं होता। यही फाइनल लिस्ट है, इसी में से सब सेलेक्ट हो जाएंगे, इसी में से उन्हें कॉलेज यानी जो एम्स हैं कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल जो रिज़ल्ट था, जो एग्ज़ाम हुआ वो 18 जून को हुआ था। 18 जून को रिज़ल्ट जो है एग्ज़ाम हुआ पिछले साल 2022 में की बात करते हैं अगर, और फिर वही चीज़ जो इसका रिज़ल्ट आया वो 27/06 को आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है इस जगह पर, आप यहाँ जो हम पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो है ये रिज़ल्ट जो डिक्लेयर किया गया 27/06 को किया गया। और लेकिन इसका जो आप देखिए काउंसलिंग शुरू हुई है, तो कब शुरू हुई आप देख लीजिए, रिज़ल्ट कब आया और काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, यानी 6ठे महीने में आया और 9वें महीने में ये शुरू हो रहा, करीब करीब 3 महीने का डिफरेंस लग रहा है। ये पहला राउंड जो होता है मॉक राउंड का होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो पहला राउंड होगा वो मॉक राउंड का होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मॉक राउंड पहले की भांति होता है। पहले आप रिहर्सल कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए कि कैसे कैसे होता है, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। उसके बाद इसका शुरू होता है सीट एलोकेशन मॉक राउंड का होता है, तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी देखिए आप काउंसलिंग मॉक राउंड का किए 17 से 20 तक, फिर 22 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप सभी देख लीजिए जो खामियां होंगी जो कमियां होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका पहला काउंसलिंग राउंड वन। तो आप देखिए इसमें 23 और 24 दो दिन का समय मिला,
कम समय इसमें बहुत कम मिलता है काउंसलिंग और बाकी चीज़ों करने के लिए, और जैसे ही इसमें एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस फीलिंग होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें आप पहले ही भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर दो दिन में सिर्फ चॉइस फील करना है आपको, यानी कोई हेर फेर करना है, कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर दीजिए फटाफट, और बस उसके बाद रिजल्ट 3 से 4 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है तुरंत। और फिर उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको उस संबंधित एम्स पे जाकर रिपोर्ट कर देनी होती है। कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, जो पिछले साल भी हुआ इस साल भी वही सेम पैटर्न अपनाया जाएगा। तो इन सभी के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। जैसे ही आएगा तो समय आप देख लीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, 4-5 दिन में सब कुछ समाप्त हो जाता है। और इसमें अगर आप कहीं इग्नोर कर गए वीडियोस को या वेबसाइट पर जाना इग्नोर कर गए, तो आपकी काउंसलिंग का राउंड 1 छूट जाएगा, आप समझ लीजिए। तो इसलिए आप बने रहें प्रॉपर चैनल पर, इसीलिए मैंने ये वीडियो पिछले साल के डाटा को लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि होशियार रहिए और जानकारी के साथ जुड़े रहिए। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो समय कम मिलता है 10 दिन का 5 दिन का, उसमें आप आसानी से जो है काउंसलिंग अपनी कर सकें और राउंड 1 छूटने ना पाए। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार क्या चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंटेशंस और अंतर भी समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो आप चैनल पर बने रहें, एक एक इन्फॉर्मेशन हम अगले अगले वीडियो में डिफरेंट वीडियोज़ में देते जाएंगे। कोई सवाल है जहन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद। जय